सदा बहार इस बाग विच कदी खजाना आवे होवन फैज लख हजारा ताई हर भुखा पल खावे जी। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। माँ जी इस वक्त गुजरांवाला के बहुत ही मरूफ और मशहूर दरबार बाबा जी मस्त कलंदर सरकार सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह अल मरूफ बाबा जी नानगे शाह दरबार में आई हुई हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये एक छोटी सी गली में वाक़ है, लेकिन इसका फैज़ दुनिया के बड़े बड़े कोनों में फैला हुआ है और दुनिया के बहुत से लोग यहाँ आते हैं और फैज़ हासिल करके जाते हैं। बाबा जी के उर्स के हवाले से तस्वीर आप इस वक्त देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि उर्स मुबारक 3, 4 और 5 मार्च को मनाया जाता है। बाबा जी का सिलसिला चिश्ती, साबरी और कलंदरी है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि माँ जी दरबार की तरफ जा रही हैं। दरबार का दरवाज़ा आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही सजाया गया है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तेरे कदमा खड़ा हाँ मैं सोनिया, दूर कर दे गमा दे अंधेरे मेरे। इस वक्त आप देख सकते हैं दरबार शरीफ इंतहाई खूबसूरती से, बहुत ही अलग किस्म के और खूबसूरत फूल लगाए गए हैं, इंतहाई सजाया गया है इसको और अलग किस्म का फनूस लगाया हुआ है जो जगमगा रहा है, माशाल्लाह सुभानअल्लाह। और बहुत ही अलग किस्म के पत्थर का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। और जो अशार मैंने अभी पढ़ा और शुरू में भी पढ़ा था मैंने, वो यहाँ लिखे हुए हैं। इसके अलावा जो अल्लाह ताला ने अपने मोजज़ात पैगंबरों के दिखाए वो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आप देख सकते हैं कितने अजीम अजीम मोजज़ात हुए थे, उनको एक लाइन में बयान किया गया है, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला की करामात हैं सब। और ये मज़ार शरीफ आप देख सकते हैं, तेरे कदमाए खड़ा है मैं सोनिया, दूर कर दे गमा दे अंधेरे मेरे। वाह सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत, इतनी मेहनत, इतनी तवज्जो से, इतना नफीस, खूबसूरत, आला तरीन इसकी सजावट, बनावट, खूबसूरती, मैं कहता हूँ कमाल कर दिया है। जो भी इनके खादिम हैं बहुत ही उनकी काबिल तारीफ़ है, उनका काम, उनकी तवज्जो, उनकी मोहब्बत काबिल तारीफ़ है। माँ जी भी इस वक्त दरबार शरीफ में तशरीफ़ ला रही हैं। माँ जी खुसूसी तौर पर इस दरबार में फातह खवाने के लिए आई हैं और माँ जी का कहना है कि यहाँ आकर यकीनन मैं अपने लिए और अपनी सब फैमिली के लिए, अपने मिलने जुलने वालों के लिए और मुल्क पाकिस्तान के लिए, पूरे मुस्लिम ममालिक के लिए और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए दुआ करूंगी कि उनके सब मसाइल हल हों और अमन हो, और ख़ास तौर पर जो बीमारियां हैं, जो वबा है, उसका ख़ात्मा हो। माँ जी इस वक्त खुसूसी तौर पर यही दुआ कर रही हैं और यही तमन्ना है उनकी कि ये वबा जो है फैली हुई है ये दूर हो और लोगों को ज़िंदगी तंदुरुस्ती और सेहत मिले, क्योंकि सबसे पहले ज़िंदगी तंदुरुस्ती और सेहत है। जब ये होगा तो वो कमा भी लेंगे, खा भी लेंगे और पहन भी लेंगे, सबसे पहले यही है। माँ जी ने फातह खवानी कर ली है, दुआ कर ली है, आमीन कह दिया है और वो इस वक्त देख रही हैं दरबार की तरफ और
बहुत खुश हो रही हैं यकीनन। अब ये देख सकते हैं कि दरबार के बाहर जो छत है वो कितनी खूबसूरत लग रही है, इतनी डिज़ाइनिंग, इतनी सजावट, इतनी खूबसूरती से बनाया गया है इसको, इसकी छत को, कि मैंने कभी इतना देखा नहीं कि इतनी खूबसूरती से किसी दरबार में भी सजाया गया हो। और भी सजाते हैं माशाल्लाह, और भी बहुत हैं माशाल्लाह, सब दरबारों में सजाते हैं। यहाँ पे एक डिफरेंट अंदाज सजाया गया है। माँ जी भी इसको खुशी से देख रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, दरबार में इतनी खूबसूरती का ख्याल रखा गया है, इतनी सजावट की हुई है कि दिल बाग बाग हो गया, दिल खुश हो गया। और लाहौर से गुजरांवाला का जो सफ़र था वो सब कुछ भूल गया, वो थकावट, वो ट्रैफिक, वो शोर, वो धूल, वो मिट्टी, सब कुछ भूल गया और हम सिर्फ दरबार 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 को ही देखते रहे और खुश होते गए। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, दरबार के चारों तरफ घूमने के लिए ये रास्ता बनाया गया है, बहुत ही अच्छा माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। और ये देख सकते हैं कि दरबार के जो रास्ता है, जो दरवाज़ा है, उसको माँ जी देख के बहुत खुश हो रहे हैं। और एक दफ़ा फिर दरबार की चारों तरफ का जो मंजर है वो आपको दिखा रहे हैं कि दरबार के दरवाज़े से यहाँ चलते हैं दरबार के चारों तरफ एक रास्ता बनाया गया है, जो जहाँ बैठने का इंतज़ाम भी है और खूबसूरती का, सजावट का ख्याल भी रखा गया है। ये आप देख सकते हैं कि ये चारों तरफ दरबार के चारों तरफ का रास्ता है, जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नफीस और बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है माशाल्लाह। और इसको सजाया गया है, उसकी सफाई का ख़ास ख्याल रखा गया है। तबारक के तौर पर नमक भी मौजूद है और ये बाबा जी की तस्वीर है। माशाल्लाह, नूरानी चेहरा, सुभान अल्लाह, क्या बात क्या बात क्या बात, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। माँ जी तस्वीर देख के बहुत खुश हो रहे हैं और तस्वीर को भी देख लें, कितनी सजावट, कितनी खूबसूरती से माशाल्लाह रखा हुआ है। अकीदतमंद, मैं तारीफ करना चाहूँगा अकीदतमंदों की, जिन्होंने इतनी चाहत की है। दरबार में बहुत ही आला किस्म के, बहुत ही बड़े खूबसूरत सहरे पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं कितने शानदार, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इनकी तारीफ में क्या कहूँ। इतने शानदार ये सहरे हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये चाहने वालों ने रखे हैं, इनकी चाहत है, इनका प्यार है, इनकी तमन्ना है, इनकी ख्वाहिश है कि इन्होंने अपनी चाहत पूरी की है, इनकी यकीनन इनकी दिल की तमन्ना पूरी हुई होगी या जो भी है, माशाल्लाह बहुत इनका प्यार है। सुभान अल्लाह, दिल खुश हो गया माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके अलावा साथ ही तकरीबन 24 घंटे यहाँ पर लंगर का सिलसिला जारी रहता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चाय बन रही है, वक्फे वक्फे से चाय बनती रहती है और 24 घंटे लंगर का सिलसिला यहाँ पर जारी रहता है। और ये साहब यहाँ के खादिम हैं और चाय बना रहे हैं और शानदार चाय बना रहे हैं। ये यहाँ का लंगर खाना है, जहाँ पर लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं और देग का सारा सामान पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह, बहुत बड़ा लंगर खाना है, देगें भी पड़ी हुई हैं यहाँ पर, माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ कहते हैं लंगर ख़त्म ही नहीं होता, ख़ास तौर पर हर जुमेरात को जिनकी मन्नत पूरी होती है वह यहाँ पर लंगर बांटते हैं। और हम बुध वाले दिन गए थे और बुध वाले दिन भी लंगर ख़त्म नहीं हो रहा था, इतना वसी लंगर था माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये यहाँ के मुकामी अकीदतमंद हैं जो रोज़ यहाँ पर हाज़िरी देने आते हैं, जो माँ जी से प्यार ले रहे हैं और माँ जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो उनके लिए खुसूसी दुआ करें। और ये बता रहे हैं कि हम यहाँ पर रोज़ाना आते हैं और यहाँ का लंगर खाकर इनको सुकून आता है और ये बहुत खुशी महसूस करते हैं और यहाँ कभी भी लंगर ख़त्म नहीं होता। यहाँ पर लंगर वसी पैमाने पर तकसीम किया जाता है। माँ जी ये बात सुनकर बहुत खुश हो रहे हैं और इसके अलावा माँ जी उन्हें बहुत सारी दुआएं दे रहे हैं और प्यार दे रहे हैं। दरबार के खादिम माँ जी को चाय पेश कर रहे हैं और ये लंगर खाना तकसीम करने की जगह हैं, जहाँ पर 24 घंटे
लंगर तकसीम किया जाता है और माँ जी लंगर तकसीम करने वाले खादिम को प्यार दे रहे हैं, सबको सलाम दुआ दे रहे हैं माँ जी। और ये आप देख सकते हैं कि जहाँ पर लंगर तकसीम किया जाता है वो जगह भी कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी सजाई गई है, कितने रंगीन कलर, कितने प्यारे प्यारे कलर के फूल हैं, कितना सजाया गया है। यहाँ पर लोगों का रश है, लोग बिरयानी खाने के बाद चाय पी रहे हैं। ये बुज़ुर्ग का कहना है कि माँ जी इनकी वाला की तरह ही लगती हैं इनको। ये बार बार इसरार कर रहे हैं कि मुझे प्यार दें, क्योंकि ये आप मेरी वाला की तरह ही हैं और माँ जी भी इन्हें बार बार प्यार दे रही हैं। वो कह रहे हैं कि चाहे मैं 60 साल का हूँ, चाहे मैं 70 साल का हूँ, लेकिन अपनी माँ के लिए मैं बेटा ही हूँ, अपनी माँ के लिए मैं बच्चा ही हूँ। आप मुझे प्यार दें, मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ मुझे प्यार दे, मैं अपनी माँ के सामने बच्चा बन के ही मिलूँ। आप मुझे दुआ दें जैसे मेरी माँ मुझे दुआ देती थी, मुझे दुआ दें कि मैं खैर से जाऊँ, खैर से आऊँ, मुझे दुआ दें, मुझे दुआ दें। और माँ जी उनको डेरों लाखों करोड़ों दुआएं देती जा रही हैं, देती जा रही हैं। और वो हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने मेरी कमी पूरी कर दी, आज 10 साल के बाद आपने मेरी माँ की कमी पूरी कर दी, बहुत शुक्रिया माँ जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।